मानव विकृति को आप कुदरत की गड़बड़ी कह लीजिए या फिर ह्यूमन डिफॉर्मिटी, प्रकृति के इस असाधारण घटना के संसार में कई उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें से कई लोगों को मेडिकल साइंस, आधुनिक दवाइयों और तकनीकी की सहायता से ठीक भी किया गया है। ह्यूमन डिफॉर्मिटी के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे रूडी सैंटोस ऑक्टामैन, जिनका जन्म 1953 में फिलीपींस में हुआ था। वो एक फ्रीक शो में ऑक्टामैन का किरदार निभाते थे। 2008 में डॉक्टरों ने उनसे सर्जरी का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूडी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मुझे इसकी आदत हो गई है। द टू हेडेड गर्ल मनार माज्ड, जो कि पैरासिटिक ट्विन से पीड़ित थी, जिसका जन्म 2004 में इजिप्ट की कैपिटल कैरो शहर में हुआ था। 10 महीने की उम्र में मनार बहुत बीमार हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टरों ने बताया अगर इस पैरासिटिक ट्विन को अलग नहीं किया गया तो दोनों की मृत्यु हो जाएगी। दुर्भाग्यवश जब इनको अलग किया गया तो एक ट्विन मर गई, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई मनार के ही शरीर से होता था। एक साल के अंदर ही ब्रेन इन्फेक्शन के कारण मनार की भी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि सर्जरी से कॉम्प्लिकेशन के कारण ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। सबसे अजीब और ह्यूमन डिफॉर्मिटी की सबसे दुखद कहानियों में से एक है एडवर्ड मोड्रेक की कहानी। एक सिर पर दो चेहरे वाले एडवर्ड मोड्रेक का जन्म इंग्लैंड के एक धनी परिवार में 19वीं सदी के शुरुआत में हुआ था। इस एक्स्ट्रा चेहरे को डेमन फेस यानी कि राक्षसी चेहरा कहा जाता था। ये एक्स्ट्रा चेहरा न तो कुछ देख सकता था और न ही कुछ सुन सकता था। यह चेहरा सिर्फ या तो हंस सकता था या रो सकता था। ये राक्षसी चेहरा मोड्रेक के फीलिंग के विपरीत रिएक्शन देता था। जब मोड्रेक खुश होते थे तब ये चेहरा उनको चिढ़ाता था, और जब मोड्रेक रोते थे तब ये चेहरा खुश होता था। मोड्रेक ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करते थे। वह अपने फैमिली के साथ कहीं भी जाना या घूमना पसंद नहीं करते थे। उनका कहना था कि मैं अपने पूर्वजों द्वारा किए गए भयंकर पापों का ही परिणाम हूँ। मोड्रेक कहते थे कि ये चेहरा जिस तरह मुझे डराता है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके मुताबिक ये चेहरा रातों को उन्हें भयानक और डरावनी बातें सुनाता रहता था। मोड्रेक ने कई बार डॉक्टरों से अनुरोध किया कि चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों न हो जाए लेकिन इस चेहरे को निकाल दें, परंतु कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं हुआ। उनका अधिकांश समय अकेले में ही बीता। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद करके आत्महत्या कर लिया। जब पुलिस वहां पहुंची तब इस राक्षसी चेहरे को हंसते हुए पाया। मोड्रेक मरते समय एक नोट छोड़ गए थे जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि इस राक्षसी चेहरे को मुझे दफनाने से पहले नष्ट कर दिया जाए, नहीं तो ये मुझे कब्र में भी डरावनी और भयंकर बातें सुनाता रहेगा। एडवर्ड मोड्रेक का जिक्र पहली बार 1895 में एक फिक्शन राइटर चार्ल्स लॉटिन हिल्ड्रेथ के एक आर्टिकल बोस्टन पोस्ट में किया गया था। उनके इस आर्टिकल में एडवर्ड मोड्रेक के सहित ह्यूमन फ्रिक्स यानी कि मानव शैतान की कई घटनाएं लिखी थी, जिसमें एक आदमी का शरीर मकड़ी का था, एक औरत जिसके मछली के पूंछ थे जिसका नाम मेलुजीना था, उसके कमर के नीचे का हिस्सा मछली का था। एक कहानी के अनुसार मेलुजीना की माँ एक जलपरी थी। संसार में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। एडवर्ड मोड्रेक और मेलुजीना जैसे बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें से कुछ के बारे में तो लोग जानते हैं और कुछ रहस्य ही बने हुए हैं। और भी फैक्ट, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से भरपूर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MG एडुज्ञान को। धन्यवाद।